तो आज हम आपको अलसी के गुणों के बारे में बता रहे हैं, जिसको खाने के बाद आप बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों सच कहिए तो अलसी गुड़ों की खान है, लेकिन ये बात और है कि लोग इस बात से अनजान हैं। शाकाहारी लोगों के लिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें लगभग 50% ओमेगा 3 फैटी एसिड अल्फा लेनोलिक एसिड के रूप में होता है, हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता, इसे भोजन के माध्यम से ही लेना पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो आपको इसके सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। अलसी में ओमेगा 3 के साथ फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और सेलेनियम के साथ साथ फाइटोएस्ट्रोजन भी पाए जाते हैं। यदि आप खुद को रोगों से दूर करना चाहते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो कम से कम 2 चम्मच अलसी को अपने भोजन में शामिल कर लीजिए। तो आइए जान लेते हैं अलसी के और फायदों के बारे में। ये लीक ग्रीन और ओमेगा 3 चर्बी को जमा होने से रोकते हैं और शरीर को चुस्त बनाते हैं। यदि आपका काम ऐसा है कि आप उठकर एक्सरसाइज तक के लिए समय नहीं निकाल पाती, तो ऐसे में आपको अलसी का सेवन करना अपने रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। इससे आपको अपने वजन को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी। खाना खाने के लगभग 1 घंटे पहले 1 चम्मच अलसी अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। आधे घंटे बाद फिर 1 ग्लास पानी पिए। इससे आपको अपना पेट एकदम भरा हुआ महसूस होगा और आप खाना कम खाएंगे। अगर आप अक्सर कब्ज से परेशान रहते हो और हाजमा खराब होता हो तो आप रोजाना 1 चम्मच अलसी का सेवन खाने से पहले शुरू कर दें। ये प्रक्रिया आपके पाचन को सुधारने में बहुत मददगार साबित होगी, लेकिन याद रखें कि पानी अधिक मात्रा में पीना ना भूलें। अलसी में दमा रोग पर असर दिखाने के गुण भी मौजूद है। यदि आप दमा से पीड़ित हैं, तो इसके लिए अलसी के बीज को पीसकर पानी में मिला दें और 10 घंटों के लिए छोड़ दें। इस पानी को नियमित रूप से दिन में 3 बार लेने से दमा कम हो जाता है। इसके साथ ही इस पानी से आपको खांसी में भी राहत मिलेगी। इसमें पाए जाने वाले फाइटोएस्ट्रोजन के कारण ये महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। महिलाओं में रजोवृद्धि के समय होने वाले हार्मोन चेंज और उसके कारण होने वाली समस्याएं जैसे अत्यधिक गर्मी, बेचैनी, अनियमित रक्तस्राव, कमर दर्द, योनि का शुष्क होना और जोड़ों में दर्द में ये बहुत अधिक फायदा पहुँचाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल, त्वचा स्वस्थ, चिकनी और चमकदार रहे, तो रोज 1 से 2 चम्मच अलसी अपने रूटीन में शामिल करें। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा में कोलेजन प्रोडक्शन और नई सेल्स को बनने को बढ़ावा देते हैं, जिससे त्वचा पर उम्र के साथ होने वाले बदलाव कम दिखाई देते हैं। अलसी में मौजूद फाइबर, चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को शरीर के द्वारा अवशोषित होने से रोकते हैं, जिससे ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अलसी के बीज हाई ब्लड प्रेशर में भी फायदा पहुंचाते हैं। अलसी के बीज में सेलुलोज का ही एक रूप लेग्रीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को कम करने में काफी सहायक है। तो यदि आपको डायबिटीज है तो किसी भी तरह से अलसी की 25 ग्राम मात्रा को अपनी डाइट में शामिल कर लें। आप चाहे तो इस मात्रा को कुछ भागों में बांट सकते हैं और फिर दिन भर में किसी भी तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स और गंदगी के कारण कैंसर होने का खतरा बना रहता है। फिर से यहाँ लिग्रीन शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स, गंदगी और कोलेस्ट्रॉल को एक साथ करके मल के साथ बाहर निकाल देता है और आपको कैंसर से बचाकर रखने में मददगार साबित हुए हैं। इसके सेवन से प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। अलसी जोड़ों की हर तकलीफ पर असरदार है। इसे खाने से खून पतला हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में रक्त का प्रवाह सही ढंग से होता है और दर्द जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। जोड़ों के दर्द के लिए अलसी के पाउडर को सरसों के तेल के साथ गर्म करें और ठंडा होने के बाद जोड़ों पर लगा लें। इससे भी आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 4 दिन अलसी खाने के बाद जो असर हुआ उससे आप चौंक जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं अलसी के कितने सारे फायदे होते हैं और यह हमें किन किन बीमारियों से बचा के रखता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।